हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में एमिट्रेन 10 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। एमिट्रेन 10 mg टैबलेट का मेनली यूज डिप्रेशन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस स्टूडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केसी लेबोरेटरीज कंपनी की 30 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 76 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। एमिट्रेन 10 mg टैबलेट में एमिट्रिप्टलिन IP 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एमिट्रिप्टलिन यह ड्रग ट्राइसाइकिलिक एंटी डिप्रेशन के क्लास में आता है। यह एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी से संबंधित है। यह मूड को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह नर्व से ब्रेन तक दर्द के संकेतों के ट्रांसमिशन को रोककर न्यूरोपैथिक दर्द में भी राहत देता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मेनली यूज डिप्रेशन की समस्या दूर करने में किया जाता है। इसे नसों में दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग चिंता बेचैनी की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसे फाइब्रोमाइलेजिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस समस्या में मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द उत्पन्न होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे माइग्रेन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। उस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेज के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। याद रखे दोस्तों, इस टैबलेट का डोज आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट रात को सोते समय ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको कब्ज, सिर दर्द, मितली, पसीना आना, चक्कर आना, बंद नाक होना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य एंटीबायोटिक टैबलेट सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंटरेक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं यह टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।